इधर। हेलो 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 हेलो। हाँ भाई ये मेरे पे फूट गया। हाँ। दोस्तों क्या मिला, ये क्या मिला दोस्तों? दोस्तों 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 ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो का। ये देखो हमें मिला बेसन, इसके अंदर मिलता है दोस्तों सोना। भाई मैं अभी जाऊं कि नहीं जाऊं अंदर? बहुत गंदा मारेंगे ये। यो 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 गाइस, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे इस नए एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट में। हमने किया था लास्ट एपिसोड में कंप्लीट ये वीट फार्म, और इसके लिए मैंने कुछ सजेशन मांगा था, जिसमें मैंने वो सजेशन ये था कि अगर मतलब एक बटन दबाने से ये पूरा बह करके आ जाएगा विथ सीड अपना वीट का। तो बेसिकली मैंने सजेशन ये मांगा था, अगर मुझे ये बार बार प्लांट करना पड़ रहा है खुद से जाके, तो कैसा ऑटोमेटेड फार्म हुआ। तो मैं एक जुगाड़ लगाने के लिए बोला था कि मैं यहाँ पे पोस्टर रखूंगा यहाँ पे या यहाँ पे, और एक फार्मर एक मतलब विलेजर लेके आके इसके अंदर डाल दूंगा, ये पूरा ग्लास से ढक दूंगा, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो बड़ा मजा आ जाएगा। और मुझे एक मेरे भाई ने मतलब हमारे दुबे जी ने ये सजेस्ट किया कि करके देख सकते हो कि वैसे काम करता है या नहीं करता है। तो मैं इस कंपोस्टर को फिलहाल उठाऊंगा और प्लेस करूंगा दोस्तों यहाँ पे। एक ही चीज का टेंशन है कि मैं मतलब ना एक्चुअली इस दर पे कारपेट लगा दूं, ऐसे ये पूरा कारपेट ऐसा ढक जाएगा तो ऊपर से जो पानी आएगा वो कारपेट तो उड़ा ले जाएगा और जो फार्मर है वो भी इसमें फंसा रह जाएगा। बट ट्राई करने में क्या जाता है, एक्सपेरिमेंट करते ही रहना चाहिए दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कंपोस्टर, वाह नूबाजी, ये देखो ये इधर पे से निकल गया, ये कंपोस्टर इधर लगा देता हूँ, नीचे उतर जाता हूँ, ठीक है आ जा। हाँ ये खराब नहीं हुआ, मैं तो जम करके गया, ओके कोई बात नहीं। और एक ये कंपोस्टर को मैं ना क्या करता हूँ ना दोस्तों, अभी फिलहाल रख देता हूँ साइड में, और इस कंपोस्टर वगैरह को बाद में देखेंगे। पहले तो एक चीज मैं बता दूं, साथ साथ में एक जो हमारे सब्सक्राइबर हमारे व्यूअर हैं उनका मैं शुक्रिया अदा कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया मिराज, हमारे वीडियो पे पहले कमेंट करने के लिए, और लाइक किसी और ने किया था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा अभी फिलहाल, क्योंकि वो जब कमेंट करेंगे तो नाम लूंगा। ये जो स्पेशल जगह है ना कि वीडियो में नाम आना शाउट आउट देना, ये इस जगह पे सिर्फ एक ही बंदे का नाम होगा जो पहला कमेंट करेगा। तो वो थे आज के मतलब कल के हमारे वीडियो के वो एक व्यक्ति, वो एक सब्सक्राइबर, वो हमारे व्यूअर, प्यारे से बंधु, हमारे भाई, वो है मिराज। तो मिराज बहुत बहुत थैंक यू हमारे वीडियो पे आने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट दिखाने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहना, और हम आपके लिए लेके आएंगे ढेर सारे प्यारे प्यारे कंटेंट। और ये एक लाल फूल फिलहाल आपके लिए मेरे इस गांव की बगिया से, तो ये रहा। थैंक यू मिराज, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लॉट्स ऑफ लव। तो चलिए दोस्तों आगे का काम करते हैं। अब हम लेके आएंगे फार्मर को, एक फार्मर देखो उधर पे है, और हमें एक सादा विलेजर चाहिए जो हमारा काम कर सके। तो सादा विलेजर को लेके आने के लिए मुझे लगता है वीट नहीं दिखाना, वीट तो गायों के लिए रहता है, शायद से कैरेट या ब्रेड ऐसा कुछ रहता है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके बताना क्या रहता है वो। दोस्त आएगा क्या? नहीं आएगा, ओके। क्या रहता है वो, ब्रेड रहता है क्या, वीट रहता है कि क्या रहता है? आ जा तेरे को काम देता हूँ मैं, आ जा आ जा। यहाँ कहाँ जा रहे हो भाई? अरे एक को तो आ जाओ, तुम आ जाओ। तू ब्रेड कितने में दे रहा है? एक एमरल्ड में दे रहा है, पर ब्रेड होना चाहिए ना यार, ब्रेड तो मैं बना भी सकता हूँ, 15 है ये है। तो अगर ये ब्रेड से आते होंगे ना दोस्तों तो ब्रेड बना लेंगे। इनके गले में हम वो लीज डाल करके खींच के लेके आ सकते हैं क्या? शायद नहीं ना, शायद नहीं दोस्तों। तो एक काम करते हैं, ब्रेड बनाते हैं, अगर कैरेट चाहिए होगा तो कैरेट बनाएंगे। अरे इसमें ब्रेड बनता है, उसमें कहाँ बनता है? ये क्या है, पोटैटो है, कुछ चॉप है, ये रहा ब्रेड, और हमारे मिराज के फूल को हम ऊपर रखेंगे। ब्रेड रहता है या कैरेट रहता है, ऐसा कुछ तो रहता है दोस्तों, जिसको देख करके ना ये आते हैं। मैं भूल गया यार वो क्या रहता है। और नीले हमारे भाई हैं, वो इस चीज को करते थे। आ जा इधर, आ जा आ जा, अबे आ जा। कैरेट लगेगा क्या तुम लोगों के लिए? रुको कैरेट तोड़ के लाता हूँ। कैरेट इधर आ जा, तो पीछे ले लेते कैरेट। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, अरे आ जा बे, हेलो, अरे आ जा भाई मेरे, आ जा आ जा आ जा आ जा, आ जा तेरे को काम दे रहा हूँ मैं, आ जा। मजाक नहीं करो, कसम से काम दे रहा हूँ तेरे को, आ जा। तेरी कोई जमीन नहीं लूंगा मैं, आ जा आ जा आ जा। कैसा है बे, इसको मैं सच्ची में मार दूंगा दोस्तों, बहुत गंदे वाला मारूंगा इसको। नाव ले लू क्या? नाव था अपने पास कहीं, तो रुको नाव में बिठा करके डंडा मारते हुए लेके आएंगे दोस्तों। इतनी तेज मारेंगे ना, लाफे लाफे कि पूछो मत। नाव गिरा, नाव दोस्तों
दोस्तों, वैसे तो हो रही है रात, मुझे जाना चाहिए सो। कहाँ गया भाई? ओ लोंडे हेलो। अरे यार ये क्या भाग गया भाई, रुको सो जाते हैं दोस्तों, फिलहाल तो बेड मेरे पास ही है, चलो। अरे इधर है ना एक बार में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सो के कर लिया मैंने नींद पूरा। नाउ अबे नीचे कहाँ चला गया तू, रुक जा उसको ऐसे बुलाते हैं। नाउ नीचे आ जा। देखा दोस्तों तुम्हारे भाई का स्मार्टी पैंट दिमाग, अब किसी तरह से मेरे को है ना इसको ऊपर चढ़ाना होगा। इसको ऊपर चढ़ाने के लिए व्हाट आई कैन डू इज, इसको ऊपर चढ़ाने के लिए ना एक मिनट देखूं क्या ये खुद से जाता है क्या ऊपर। लेकिन वैसे मेरे को प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा, ये नहीं कांच का अगर रहे ना तो बेटर। ये रहा 54, नहीं अपन ना रेड कांच है ना इसको लगाएंगे, और रेड कांच को लेंगे नीचे और पहले इसको तोड़ेंगे। अगर ये ऊपर चढ़ गया ना दोस्तों तो मजा आ जाएगा। जा ऊपर चढ़ जा, तेरे को रास्ता बना दूं क्या भाई? एमरल्ड दे रहा है ये 20 इस पे 15 एमरल्ड। और पगले इधर आ जा, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, प्लीज आ जा मेरे भाई। तो कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों। स्ट्रीम बना करके पानी का उस पे चढ़ा सकता हूँ क्या मैं? तो वैसा करेंगे, यहाँ से ना स्ट्रीम बना लेंगे। रुको ट्राई करते दोस्तों एक नई चीज आज। वैसे आज का तो मैं तुमको बताया नहीं मैं करने क्या वाला हूँ। बेसिकली यहाँ से अगर मैं गिराता हूँ ऐसे और इस लौंडे को लेके आता हूँ, रुको नाव, और ये जो पानी का बकेट है ना दोस्तों ये भी इधर रखना पड़ेगा। ये चढ़ने देगा क्या पानी के स्ट्रीम से? ओ भाई क्या चोट लगी है, ये नहीं चढ़ने देगा ना भाई। ये तो तैर के सीधा बाहर निकल जा रहा है ना, नहीं हो रहा है यार, ये बहुत मुश्किल है ये। क्या करेंगे इसको वापस से वो रेल व्हील बना के चढ़ाना पड़ेगा यार, वो अलग मगजमारी है। नाव को लीश लगा के ऊपर खींचू क्या मैं? नहीं जाएगा शायद, वो पानी डालने के बाद भी ना शायद नहीं जाएगा वो। देखते फिर भी एक ट्राई करके देखते दोस्तों, अगर ये ऊपर चढ़ गया ना मजा आ जाएगा, खींच ले लेंगे। तो दोस्तों हम ये तमाम असफल कोशिशें कर रहे हैं यार। नाव खींच सकते हैं ना? नहीं खींच सकते क्या? बेडरॉक में है क्या वैसा? नहीं यार, इसको इसको पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते, ऐसे नहीं पकड़ सकते। भाई चढ़ जाना ऊपर, काम करते दोस्तों। इधर ऐसे प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो ऊपर चढ़वाएंगे, पर कैसे चढ़वाएंगे ना ये सबसे बड़ी दिक्कत है फिलहाल तो। ऊपर अगर चढ़ता है ना तो अपन पैक भी इसको नहीं कर पाएंगे। काम करते हैं तो पैक करने का ना एक रास्ता बना लेते हैं, ताकि वो यहाँ से चढ़े ना तो वहां से कूदने की भी नौबत आ जाए। यार इसको कैसे बुलाऊं? गांव वाले को दिखाते हैं कुछ तो आते हैं यार, ये गाजर दिखा के भी नहीं फंसा है। गांव वाले हेलो, ये देख इधर आ, इधर इधर आ जा, इधर आ जा बे, नहीं खराब किया तेरा खेती। अरे हाँ इसको ऐसे ऐसे कर सकते ना, ऐसे करके नजदीक बुला सकते, ऐसे ऐसे करके भाई साहब। ए ए लोंडे जरा, ओए हरामी, रुक जा रुक जा, तेरे को ना बताता हूँ मैं, तेरे को तो करता हूँ पैक मैं। और ना दोस्तों इसको क्या करेंगे ना, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे 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 इसको पूरा पैक करते हैं दोस्तों। ये कहीं से भी ना जा पाए साले, फिर तेरे को निकालता हूँ मैं बोट में, तो देखता हूँ तू कहाँ जाता है। फिर भाई सब खत्म हो रहा है, तेरे को बताता हूँ मैं, तू नहीं आएगा ना, तेरे को मैं लेके आऊंगा, और देख तू आएगा पक्का, कैसे ना कैसे मैं लेके आता हूँ तेरे को। तो दोस्तों हम इस विलेजर को ना जिद पे लेके आएंगे अपने, मतलब बोलते हैं ना वो गुंडा राज होगा आज के बाद यहाँ पे पूरा। अगर एक फार्मर एक विलेजर ने भी नौटंकी की ना, सीधा खत्म, गोली निकालेंगे बंदूक मारेंगे, उल्टा बोल दिया, बंदूक निकालेंगे गोली मारेंगे सालों को, कोई विलेजर बचना नहीं चाहिए दोस्तों। और बेसिकली मैं बता दूं ये थोड़ा सा है ना करने के बाद, ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग है ना वो बनाने वाले एक अपना लेदर फार्म बनाने वाले, जिसमें हमने लगेंगे दो गाय एक्चुअली बेसिकली लगने वाले, गाय या बैल जो भी बोलो उनको, तो वो लगने वाले हैं दो गाय बैल या फिर जितने सारे के सारे लेके आ जाएंगे, क्योंकि मतलब उधर तो ब्रीडिंग हो गई जिधर हम फार्म बनाएंगे। अब ये यहाँ से भी नहीं निकल पाएगा, और अब बच गया रास्ता वहां से निकलने का, तो पानी के अंदर से उसको निकलना पड़ेगा। तो बेसिकली इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ चला जा, इसके लिए मैं इसके ऊपर एक ये पानी रोक दूं क्या फिलहाल के लिए, या फिर ट्रैप डोर लगा के खोल देता हूँ ना, इस पे से चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन रुको पहले ये काम करेंगे अपन, ये बंदा है ना इधर से कहीं से जा ना पाए, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम बनाएंगे। हाँ ऐसे ऐसे, अब आ तू अब निकल, तब तेरे को बताऊंगा। अच्छा जी मैं इसको नहीं खोद पाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं तो कहीं ना कहीं से निकल जाऊंगा। अच्छा अंदर जा, चल इसके ऊपर आ जा, अब सर तेरे लिए। हाँ हाँ, ओ
एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। हेलो हेलो, हेलो तेरी भैंस की टांग दोस्तों, कर दिया पोपट तुम्हारे भाई का इसने। ललुए इधर बैठ, नहीं बैठेगा तू, देख तेरी हालत क्या करता हूँ मैं दोस्त, बहुत जिद्दी आदमी हूँ, बहुत गंदा मारता हूँ। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ गया, आ गया। बहुत गंदा मारता हूँ मैं दोस्त, बता रहा तेरे को। हाँ चल तू इधर आ, ले चोट खा, खा चोट। दोस्तों इसने कर दिया मेरा पोपट यार, मतलब क्या ही कतई जहर बेइज्जती भाई। बेटा इसके लिए ना दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं पानी गिर गया, इधर इधर पानी गिरा। तू रुक जा, तेरे को मैं बताऊंगा अच्छे से। तू साले इस पे से चढ़ के निकल गया, मैं तेरे को जगह ही नहीं दूंगा, पार्कोर ही मत कर तू, वहां से तो चढ़ ही नहीं पाएगा तू, तेरे को चढ़ने को यहीं पे जगह। हाँ जा, अब आ जा, ये और भी कर ढक देता हूँ मैं, अब चढ़ के दिखा तू इसपे से उसपे से उसपे, बहुत नौटंकी है ना तेरा। अब बताता हूँ तेरे को मैं, रुक दोस्तों इसको मार दूंगा अगर ये अब भागा ना, खत्म है, कत्ल है इसका। फिर ज़ॉम्बी की आवाज आई, ज़ॉम्बी की आवाज आई, बेट 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 बेट, ज़ॉम्बी की आवाज आई। हाँ गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्यारी से सुबह के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस विलेजर को मारने में तो छोड़ेंगे नहीं अपन दोस्तों, इसको अंदर लेके जाएंगे ना, कत्ल ही कर डालेंगे। हाँ हाँ मत कर, साले गुस्सा दिला दिया तूने मेरे को पूरा वाला, अब नहीं भाग पाना चाहिए ना दोस्तों, क्या बोलते हो? ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल करके रहेंगे अपन। मार, अब जा, अब जा, तेरे को किधर जाने का, जा 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 जा। नाराज हो गया, नाराजगी है, साले कुल्हाड़ी से मार दूंगा, भेजा फट जाएगा तेरा, कराते रहना फिर ऑपरेशन, जा नहीं वहाँ। हाँ चल क्लास पे चढ़, काम कर जाके उधर, काम दे रहा हूँ तेरे को फकीर। हाँ चल चल काम कर, आ, आ मत कर, समझा गया? अरे जा भाई जा, यहाँ से निकल, आगे जा, आगे बढ़, आ जा और कर ले, आजा कर ले, आजा। ये दोस्तों ना पूरा बढ़ा देता हूँ उसको, फार्मर की नौकरी उधर कर चुपचाप से, समझा? नौटंकी नहीं ज्यादा, एक तो नौकरी दो इनको, नौकरी पे रखो, ये भाई कर रहे मनमानी हैं। बैठ इधर, ये तेरा काम है आज के बाद से, समझा? बस अब ये भागे नहीं, और देखते कितना सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट होता है। तो दोस्तों फाइनली सक्सेसफुली हमने कर दिया है इस फार्मर को अंदर। ये जो फार्मर, हाँ ये जो फार्मर है देखो, गुस्से से देख रहा है वो मेरे को, साले तेरा सारा गुस्सा निकाल लूंगा मैं, काम कर उस पे, समझा? पगार मिल रहा है तेरे को उसका, फ्री में नहीं रखा है तेरे को, खड़े होकर गुस्सा निकाल रहे हो। आए बड़े, देखिए दोस्तों मेरे से पंगा अगर लिया इनमें से किसी ने भी तो जिंदगी खत्म। दोस्तों इसके आगे ना अपने को ऐसा ना ग्लास लगा देना चाहिए, है ना, ये व्हाइट वाला ग्लास ही ना फैला देना चाहिए पूरा। फिलहाल तो मेरे पास लाल ग्लास है, तो एक काम करते हैं ना, लाल ग्लास जो है इसको ही लगा देते हैं, पर मैं अभी इसको तोड़ूंगा नहीं दोस्तों। इसको अगर मैं अभी तोड़ा ना, वो बंदा निकलेगा जो स्पीड में भागेगा ना, कहीं नहीं जा पाएगा वो। तो ना दोस्तों ऐसे रखना पड़ेगा अपने को, ऐसे बाजू बाजू में, ताकि मैं एक खोदूं और तुरंत दूसरा लगाऊं। क्या तुमको क्या लगा तुम्हारे लिए खोद रहे हैं? ना 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 ना, तुम्हें उस यार। अरे भाई ऐसे बहुत बहुत लोग संभाले हम अपनी जिंदगी में हैं, ढीठों से ढीठ से पाला पड़ा है हमारा, हमने उनको संभाल लिया, तो तुम कौन से खेत की मूली हो? आओ आओ यहाँ से निकल के दिखाओ बेटा जी, ऐसे छोड़ दे क्या दोस्तों, आजा टिकट ले लो। फिलहाल तो दोस्तों ये प्लानिंग जो है ना काम तो कर रहा है बढ़िया वाला, बस मेरे को ना फटाफट से जो है ना, अरे इतना बड़ा फार्म दिया संभालो उसको, कि अभी ऊपर वाला ना झटपट से एकदम से जाके ना फटाफट से ग्लास का प्लेसमेंट कर देते हैं, तो ग्लास से तोड़ते हैं और ग्लास से पिठाते हैं। आजा आओ आओ, देख लो बेटा आ पा रहे हो कि नहीं आ पा रहे हो, फंसा दिया है तुमको मैंने, तो कंप्लीट कर दो क्या? हाँ दोस्तों, तो फाइनली हमने ट्रैप कर लिया है एक विलेजर को और खुद को एक चोट लगा लिया है। देखो एक विलेजर ट्रैप किया और वहां पे वो कंपोस्टर में कुछ तो भरे जा रहा है, मैं इधर से बटन दबाता हूँ, देखता हूँ ये करता है काम नहीं करता है, ठीक है? लेकिन अभी पूरी तरह से ये हमारे जो वीट है वो उगे नहीं है, तो पहले उगने का इंतजार कर लेते हैं, फिर वो बटन दबाएंगे तो शायद अच्छा होगा। तो फिलहाल तो इसको ऐसे रख देते हैं, इसको भी रख देते हैं, फिलहाल देखते हैं कितने अच्छे तरीके से काम करता है। हमें बनाना है ना जो अपना काउ ब्रीडिंग फार्म, वो हम इसके नजदीक में बनाएंगे दोस्तों। वो छोटा सा है, मतलब बड़ा वाला जो ऑटोमेटेड है ना वो नहीं बना रहा हूँ मैं, अभी छोटा सा बना रहा हूँ जो कि इतने दूर में शायद बन जाना चाहिए फिलहाल। तो हम क्या करेंगे ना, यहीं से वीट का वो उठाएंगे। ओ भाई भूख देखो कैसी लगी है मेरे को, बेजोड़ वाली। हाँ ले बेटा,
तो मैं बोल रहा था, बता रहा था दोस्तों कि ये जो जगह है ना, यहीं पे बनाएंगे, इतने छोटे में शायद से हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम लोग देखेंगे वहां पे भी जगह, यहाँ पे इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे, इसको भी बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। अब उसके लिए मटेरियल क्या लगने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं, फेंस और कोबल स्टोन, तो और ये बेसिक चीज है। और भी कुछ लगेगा तो मैं बताता हूँ तुमको। फेंस नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये रहा, दो ओक फेंस है, अपने को ज्यादा चाहिए नहीं, फेंस दो ही चाहिए फिलहाल तो। और ये उडलॉक ले लेता हूँ अगर लगा तो। ये क्या, हाँ 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 करते रहते। बेसिकली दोस्तों अपने को ना ये स्टेयर्स भी लगने वाले हैं। अरे बस एक जगह खड़े होकर के चारों, क्या मतलब उसको कैद कर लिया तो तुम लोग को इतने बुरे लग रहा है? अबे काम दिया उसको मैंने, तुम लोग तो वैसे जिद पकड़ के बैठे हो जैसे कुछ बिगड़ गया तुम्हारा भाई, ये भी सही है। तो दोस्तों अपने को लगने वाले हैं चार बिल्डिंग ब्लॉक, हो तो कोई भी ब्लॉक हो जाता है। अपने को पांच स्टेयर लगने वाला है, और पांच स्टेयर के बाद अपने को लगने वाला है शायद एक या दो फेंस, क्योंकि वो फेंस है ना ऊपर उसको दबा के रखेंगे। ये क्या, दो फेंस लगेगा, हॉपर लगेगा, क्योंकि जो मतलब गिरेगा लेदर, आपको पता है कैसे गिरने वाला है वो, तो वो कलेक्ट होना चाहिए हॉपर में, और हॉपर से जाएगा वो चेस्ट में। और एक वाटर बकेट लगने वाला है। तो हम पहले बनाएंगे अपने लिए स्टेयर्स। तो अपने को बेसिकली लगने वाला है पांच स्टेयर्स, जिसमें से अपने पास चार ऑलरेडी है। इतना क्या करोगे भैया, तो क्या करे भैया। ये रहा स्टेयर्स, ओके तो चार और ले लेते हैं, अपन बना लेते हैं। ठीक है, और बिल्डिंग ब्लॉक तो अपने पास है ऑलरेडी, और कैसे बना सकते हैं उसका हम लोग। ये देखो, ये सब है ना, मतलब खतरनाक खतरनाक चीज है। ये हम पाएंगे दोस्तों अभी नहीं, बाद में, पर फिलहाल तो अपने पास है ये अपना कोबल स्टोन का ब्लॉक, तो वो अपने को चाहिए कुछ चार। फेंस चाहिए एक या दो, तो वो भी अपने पास। हॉपर चाहिए, तो हॉपर बेसिकली अपने पास दोस्तों होना चाहिए इसके अंदर। ये रहा हॉपर, एक ही चाहिए था, और अपने को चाहिए था चेस्ट, तो बेसिकली दो चेस्ट चाहिए, तो हम लोग पांच रख लेंगे अपने पास। और एक वाटर बकेट चाहिए, तो वाटर बकेट भी अपने पास। बेसिकली अपने पास सारी चीजें हैं, तो चलिए करते हैं शुरू इस बिल्ड को। बनाने से पहले मैं सो लूं दोस्तों, क्योंकि यहां पे हो चुकी है रात, और मुझे इस बिस्तर को यहां लगाना है, ऐसे जंप करना और सो जाना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्यारी से सुबह के साथ फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए बिल्ड में ऑफ माइनक्राफ्ट, जहां बनाने वाले हैं लेदर फार्म। एक्चुअली खोदना है एक, ये जो सिंपल वाला ना, ये बड़ा सिंपल है, ये एक एल शेप में ऐसे सोफा सेट जैसा खोद देंगे हम लोग। और यहाँ पे एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ दो चेस्ट रखने के, लेकिन एक चेस्ट बस हो जाएगा मेरे को लगता है, देखते हैं। फिलहाल तो ये मड उठाते ऊपर रखते हैं, चेस्ट लेते हैं, और यहाँ पे ऐसे प्लेस करते हैं हॉपर। जो जो चीजें चाहिए ना दोस्तों, मैं उसको पहले ले लूं। ठीक है, वाटर बकेट है अपने पास, स्टेयर चाहिए तो चेस्ट को ऊपर रखेंगे, स्टेयर ले लेंगे। ठीक है, और ये हॉपर को क्या करेंगे, बेसिकली इससे कनेक्ट करेंगे, और इसको इससे कनेक्ट करेंगे। तो ये दोनों हो गए कनेक्ट, अब हमें लगाना है यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों कुछ ऐसे बनाना है, मैंने ब्लॉक तो प्लेस कर दिया, अब हमें लगाना है स्टेयर्स। तो स्टेयर्स कुछ ऐसे लगाएंगे, और ऐसे नहीं, नहीं नहीं गलत हो गया, ये इसको हटाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो ऐसे आएगी गाय, और इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। तो बेसिकली हमें ना वो वीट लेकर के आना है, गाय को ऐसे मनाना है कि यहाँ से ऐसे आकर के ऐसे चढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर हम डालेंगे एक बकेट पानी का यहाँ पे। ठीक है, अब हम लेके आते हैं गाय को लेके आने के लिए हमें लगेगा वीट, या फिर लीश से तो लेके आ ही सकते हैं। ये लीश भी नीचे ले लो, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। तो चलो दोस्तों गाय को लेके आते हैं, लीश की जरूरत तो पड़ेगी। ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा ये लेदर फार्म बना रहा हूँ दोस्तों, मतलब इसमें ज्यादा कुछ झंझट है नहीं। मतलब चुपके से लेके आना है गाय को, उसमें डुबाना है, उसको इतना ब्रीड करना है, और उसके बच्चों को इतना बड़ा करना है, 24 ऐसे करके ना 24 गाय पैदा करने हैं अपने को। तो बेसिकली माइनक्राफ्ट क्या बोलता है ना दोस्तों, कि ज्यादा से ज्यादा तुम 24 गायों को एक जगह पे रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो जब 24 के बाद जो ब्रीड करेंगे, वो एक अंडा गिरा है दोस्तों, हम अपना फिर से लक ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या हालात होते हैं, क्या उसमें से बच्चा निकलता है, तो वो ट्राई कर लेंगे दोस्तों। अभी तो फिलहाल हम गाय को लेके चलते हैं अपने फार्म तक, बिना गिराए इसको यहाँ से। चल आजा 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 बेटा, दूसरे से आराम वाले रास्ते से लेके चलते हैं तेरे को, आजा आजा। तो धीरे धीरे दोस्तों ये गाय आ रही है, और इसलिए मैंने ये फार्म दूर बनाया ना दोस्तों अपने घर से, क्योंकि ना दोस्तों अभी अगर ये उधर समझो बनाता मैं, तो
ये जिस तरह से मेरे साथ प्यार से आ रही है ना, मतलब एक तो आ जाती थी, एक इतने प्यार से तो चलो आ जाती थी, बट आपको लगता है ये देखने के बाद कि कोई दूसरी आ पाती थी? अरे यार, ये लीज भी इसके साथ ही चला जाएगा ना? लीज भी चला गया क्या? हॉपर में आएगा ना वो तो? ए बात, तू इधर ही रुकना बेटा, तू बाहर नहीं निकलना। तो दोस्तों वो मतलब जो दूसरी गाय होती ना, वो समझ जाती थी कि जरूर ये बंदा है ना गोची कर रहा है, ये मतलब मेरे साथी को पकड़ के लेके गया, इसकी साथी वापिस आई नहीं, तो आखिर गई तो गई कहाँ, तो जरूर ये गोची कर रहा है। ये दूसरी आती नहीं तुरंत भाग जाती थी वहां से, अभी तो शांति से बैठी। और हाँ दोस्तों, मतलब मेरे को दुबे जी ने कमेंट किया कि ये बिल्लियां पालो, और भी कई लोगों ने कमेंट किया, ना कि सिर्फ दुबे जी ने कमेंट किया, बिल्लियां पालो, टेम करो और सारा बाउंड्री लगा दो, क्रीपर सारे गायब, सारे के सारे भग जाने वाले हैं। आजा बेटा बाहर आजा। ना ना तेरे साथी को हम लोगों ने उधर पे सही जगह रखा, एकदम घास भीस खा रहा मस्त एकदम। आजा तेरे को भी पार्टी में शामिल करवाते, आजा 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 आजा। कम 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 कम, तेरे लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, आजा। चल दोस्तों, उस नीदर में गए अपने को काफी टाइम हो गया, तो नीदर में भी जाएंगे। प्लस एक डेसर्ट हमने पाया था काफी दूर, मेरे को लगा 4000 ब्लॉक कुछ दूर था, 4000 कुछ ज्यादा बोल दिया यार, 4000 ब्लॉक नहीं रहेगा, कुछ कम रहेगा। और उस डेसर्ट में हमें ढूंढने जाना था कोई मतलब टेम्पल उम्पल मिल जाए जैसा हमने सुना है वैसा। मेरे को कभी टेम्पल मिला तो नहीं है वैसे, बट क्या पता नसीब जो है मेरा वैसे ही बहुत मजेदार है, एकदम फॉरवर्ड नसीब है मेरे पास। आ जा बेटा, आ जा आ जा, टेंशन नहीं लेना। हाँ उधर कुछ छोटा सा घर बनाना, उसमें तेरा साथी जो है ना वो पार्टी कर रहा है। हाँ देख, आवाज भी कर रहा है, आ जा पार्टी चालू है। कम, अबे मैं गिर गया, तू नहीं गिरना, तू नहीं गिरना। ले भाई एक काम करते दोस्तों, अपने ना गलत हो गया दोस्तों, मैं गलती से गिर गया यार, मर गई। रुक जा भाई, ऐसे थोड़ी ना जाएगी तू। आजा बेटा, आजा आजा आजा। दोस्तों इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है, मतलब जिस तरीके से मैं ना ये, आजा तेरे को पूरा इधर से पूरा, मतलब ट्रक कैसे लेके चलते ना वैसा लेके चलता हूँ। आजा ऐसे ऐसे, आजा बेटा। अबे ओए ओए ओए, हेलो हेलो हेलो, तेरी भैंस की टांग ले, एक एक्सपी दे के जाना मेरे को। प्लीज आई क्या? नहीं आई। ओ भाई दो लेदर ऑलरेडी आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर से मुझे एक गाय को लेके आना होगा, मैं खुद उसके अंदर गिर गया था बैल जैसे। मैं अच्छा वो मेरा कोई ब्रीड नहीं कर दिया वहां पे, क्या बोलते हो दोस्तों? हाँ देख बुला रहा तेरे को, हाँ माफी भी मांग रहा है कि मैंने ऐसा किया, गलती हो गई, माफ कर दो। आ जा थोड़ा ऊपर आ जा। अब ना दोस्तों अपने को प्लेस करना ना डर कहाँ पे, जैसे नीचे जाए ना वैसे। अरे बाबा ये ज़ॉम्बी को कोई समझाओ भाई, बेड कहाँ गया? हेलो बेड। दोस्तों मैं पहले बेड, अच्छा मेरे पास ये बेड। भाई ज़ॉम्बी रुक जा तेरा तो ना मैं गेम ही करता हूँ। चल चल चल, हाँ हो चुकी है प्यारी से सुबह दोस्तों, और हमने फाइनली कैसे कैसे करके दो गायों को लेके आके अपने पार्टी रूम में डाल दिया। अब मुझे लगाना था उधर पे डर्ट जो मैं लगा चुका हूँ। फेंस कहाँ गया? फेंस का अब हमें आएगा इस्तेमाल। देखो मैं बताता हूँ, ये जैसी, अबे क्या है, तुम लोग इतना क्यों सताते हो भाई, अपने भाई को छोड़ दो, तुम्हारी तरह मैं भी शैतान हूँ एक, देखो क्या कर रहा हूँ मैं। ये देख रहे हो दोस्तों, अब ये जो गाय है ना ये ऊपर भी नहीं आएंगे। अब फिलहाल ये करिए ना, इसको दे दूं मैं स्ट्रिंग, दे दे स्ट्रिंग, दे दे स्ट्रिंग, दे दे स्ट्रिंग, आई भी दी। तो अब इसके बाद हमें इसको दोस्तों हटा देना, बस वेरी सिंपल। अब देखो दोस्तों दो गाय अंदर है, ठीक है, ये लिया हमने वीट, तू भी खा ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले। अभी इधर गुलू होगा और देखो हो गया बच्चा। तो ऐसे दोस्तों हमें ना थोड़े टाइम के बाद वापस आना, इनके बच्चे कहाँ हैं? हाँ उसको उसको ढेर सारे तरीके से खिला खिला के ना बड़ा कर देना मेरे को बस। तो ऐसे ना दोस्तों मेरे को करने टोटल 24 गाय। अब फिलहाल देखते अपने वीट फार्म का क्या हालचाल है। तो अपना जो वीट फार्म है वो हो चुका है, थोड़ा बहुत तैयार, थोड़ी सी बाकी है। उससे पहले हम जाते हैं दोस्तों, हम आपको दिखाने वाले हैं कि आयरन कितना सारा जमा हुआ है अपने पास, ढेर सारा। अफवाह, आप लोगों को चाहिए तो बोलना, मैं ट्रक भर के भिजवा दूंगा दोस्तों। इतना आयरन है, इतना आयरन, मतलब अभी बेहिसाब आयरन है। अगर मैं इधर पे ना फेंकते हुए चलू ना ऐसा आयरन, तो भी वो ज्यादा रहेगा अपने पास, इतना आयरन है अपने पास। बकवास कर लिया मैंने थोड़े, बट दोस्तों नहीं सच में बहुत आयरन है। ये फार्म इतना चार्म काम किया ना, ये देखो यहाँ पे एक पेटी पूरा भर गया है, ठीक है, ये देखो, और ऊपर अभी एक जल रहा है, तो और चार इधर आएंगे, तो ये दोनों जो है ना मैं ले लेता हूँ नीचे। अच्छा मेरे पास जगह ही नहीं बचा है,
ये भी सही है। ठीक है छोड़ो दोस्तों, वो अपने आप आ जाएगा, अभी चलते हैं। तो देखा दोस्तों तुमने, मेरे पास इतना सारा आयरन है, मैं ना एक्चुअली सोच रहा हूँ नीचे क्राफ्टिंग टेबल लगा के ना आयरन का ब्लॉक बना दूं, ताकि मतलब वो और जगह बन जाए अपने को। फिलहाल तो मैं चाहता हूँ कि वो दोनों पेटियां भर जाए और उसके बाद मैं वो चीज करूँ। तो यहाँ पे भी चलते, शुगर केन जो फार्म है ना यहाँ पे भी चलते, देखते यहाँ के क्या हालात है। और शुगर केन फार्म में देखो दोस्तों कितने सारे शुगर केन जमा हुए हैं। ऊपर वाला चेस्ट तो खैर नहीं भरेगा, लेकिन 2 एकड़ में दोस्तों इतने सारे शुगर केन जमा हो चुके हैं सिर्फ एक ये छोटे से ऑटोमेटिक फार्म से, है ना, ये कमाल की बात। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अपने वीट फार्म पे और देखते हैं क्या हालात हैं वीट फार्म के। तो दोस्तों बेसिकली जो मैंने टारगेट बनाया था ना आज का, वो यही था कि मतलब मैं ये जो ब्रीडिंग फार्म है ये छोटा सा हल्का सा ये बना करके फिर हम करेंगे एपिसोड को एंड। बट क्या है ना कि मुझे लगता है कि ये मतलब इतना ज्यादा अभी अपना को मजा नहीं आया, अपने को मसाला मिला नहीं है। तो मैं अभी शायद इसके बाद ना मैं जाऊंगा नीदर में, क्योंकि मेरे को ऐसा पता लगा है कि नीदर में जाने के बाद ना एक्सपी फार्म बना सकते हैं अपन। एक उस मतलब एक बहुत सिंपल फार्म जैसा बना सकते हैं अपन। उसके अंदर ना क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म बनाना है और प्लेटफॉर्म के अंदर ना जैसा इधर पे है ना अपना एक्सपी फार्म, वैसे कुछ है ना स्लैब लगा करके छोटा सा गैप बनाना है खाली अपने को, और एक बड़ा सा खड्डा बनाना है कि उसमें से जब लोग मतलब लोग ने पिगलिन को ना एक तीर मारना या फिर कुछ पत्थर वित्तर मारना और नीचे आ जाना। ये मैंने देखा था एक वीडियो में, बहुत सिंपल कंसेप्ट लगा था और सक्सेसफुल कंसेप्ट लगा था मेरे को वो। तो वैसा भी एक्सपी फार्म बना सकते हैं, क्योंकि ये जो मेरा एक्सपी फार्म है ना ये काम नहीं कर रहा दोस्तों। मैं जा रहा हूं बटन दबाने, देखते क्या होता है। 1 2 3 टक्कर 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 टक्कर, ओके पान दोस्तों अपने। अरे उधर से कूद कूद के साले ने वो खराब कर दिया यार, ये भी सही है। 26 29 30, ये देखो बोन मिल भी आ रहा है अपने पास, कैरेट भी। ओ इसने कैरेट की भी झाड़ी लगा दी है। तो भाई अपने को वीट चाहिए, ये कैरेट बिरेट नहीं चाहिए, बता रहा हूँ मेरे को वीट चाहिए। अगर वीट से एक भी कम निकला मेरे को, भाई तू तो गया, तू तो गयो। तो अपन कुछ यहाँ पे फूल दे देते इसको और ये ले लेते हैं। हाँ इसे प्लांट कर अच्छे से, ठीक है महीने के आखिर में एक टॉफी के दे दूंगा। पता नहीं दोस्तों ये क्या प्लांट कर रहा है, मतलब वीट प्लांट कर रहा है कि मतलब कैरेट प्लांट कर रहा है। दोस्तों तुमको समझ में आएगा कि क्या प्लांट कर रहा है, ये देखो मुझे लग रहा है ना दोस्तों ये कैरेट प्लांट कर रहा है, और कैरेट की अपने को जरूरत नहीं, अपने को जरूरत है सिर्फ ये वीट की। भाई इसने फार्म की ना वाट लगा दी मेरे ऑटोमेटेड फार्म की, भाई ये मेरे को लग रहा है ना दोस्तों कैरेट लगा रहा है, ये वीट नहीं है भाई, गलत फार्मर उठा लाया मैं लगता है। इसने वाट भी लगा दी भाई, ये कैरेट है, पक्का कैरेट है दोस्तों, बताना कैरेट है ना। चलो दोस्तों फिलहाल तो अभी ना यहाँ से निकलते, थोड़ा सा मैं तो सोच रहा हूँ थोड़ा एक्सप्लोर करें, जाकर के डेसर्ट ही ढूंढ रहे या फिर ये जो अपना इसके अंदर। अरे अपने पास गोल्ड बहुत ज्यादा होना चाहिए, जाके ना पिगलिन से ट्रेड करते देखते अपने को क्या मिलता है। ओ ये देखो कौन आया है, नोबिता अपने पास एक्सपी फार्म आया है। तो दोस्तों धीरे धीरे एक्सपी बढ़ रहा है, 29 एक्सपी है, मैं लगता नहीं एंचेंटमेंट कर पाऊंगा जल्दी आने वाले दिनों में। अरे भाई एक और आयरन गोलम, ओ दो दो आयरन गोलम, भाई क्या पार्टी चल, तीन तीन ओ विलेजर भी है, वाह पार्टी चल रही है। तो साल लीस रख दिया मैंने तुमको, तो मैं बताता अच्छे से, तू पहले तो चल घर पे उधर जाके अपना काम कर। चल अंदर 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 सीधा बाहर। हाँ ऐसे खड़े रहे नहीं जाएगा, हाँ ऐसे खड़े रहे दोस्तों, ये एक बार अंदर आ गए तो नहीं जाते क्या वापस से, कमेंट करके बताना दोस्तों ये वापस जाते हैं या नहीं जाते हैं। ये देख रहे हो दोस्तों तीन तीन आयरन गोलम है भाई, तीन तीन आयरन गोलम, और यहाँ पे पिगलिंस को ऐसा एक एक टप्पा देते रहेंगे ना ये कि क्या ही बोले। आ जा दोस्त नीचे आ जा, तेरे में घट से तो मेरे पास है प्रोटेक्शन। यार इस लावा को ना बंद करना चाहिए, बहुत जगह ना ऐसा फैल के पड़ा है, कौन आएगा मेरे को मारने, आओ मारो जरा, कौन आ रहा है तुम में से, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा दोस्तों, इनकी इतनी फटती है ना। वो आयरन गोलम है ना उधर, मेरा बॉडी गार्ड लास्ट टाइम किधर देखा था पिगलिंस को। हाँ दोस्तों मैं ना इसे इसकी बात कर रहा था, ये जो साइन हो रहे ना ये पता नहीं कहाँ चले गए यार मेरे चेस्ट से निकल के, मुझे समझ में नहीं आया। भाई तुम लोग कहाँ हो, कहाँ हेलो, भाई नजदीक में भी कभी रह लिया करो, एक तो आज अकेला हूँ मैं, ऊपर से मेरे को मतलब मैं अगर रस्त, ये दोस्तों देखो कैसा मारेंगे देखना, ये मेरे को देखा भागते हुए आ रहा है, ये देखो भाई कम कर दिया हेल्थ इसने, रुक गया भाई, उछाल उछाल के मार रहा है ये, ऐसे मरते हैं ये। क्या मिला मेरे को, कुछ तो मिला भाई, एक एक करके आओ मैं सबको संभाल लूंगा, तुम टेंशन ना लो, आजा आजा। अरे 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 हेल्थ कम हो गई दोस्तों, हेल्थ कम हो गई, मैं ना लड़ूंगा मैं तो भाग जाऊंगा।
किधर गए, किधर गए इन लोग? हाँ भाई, ओ मुसांडे डरता नहीं तेरे से मैं, इधर आ इधर आ। ओ भाई 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 भाई, नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं छोड़ेगा तेरे को। अब अगर एक ने भी मेरे को मारा ना, मेरी तो वाट लग जाएगी। अब मेरे, अरे देखो देखो दोस्तों, ट्रेडिंग अपने पास ट्रेडिंग है, लेकिन वहाँ पे बैल भी है। इधर आ जा, ओ पैंट वाले। अबे भाई साहब, हाँ अब आओ लोंडो। ओ हेलो, इधर इधर ये ले दोस्तों, ये ढेर सारे। अगर ये अकेला होता ना, इसको ऐसा दिया होता ना, चाप चिप चाप चिप चाप। क्या दिया इसने, क्या दिया हरामी ने? अंडा नहीं, अंडा तो मैंने लिया था। क्या दिया इधर, कुछ अलग लग ही नहीं रहा, मेरे को दिख ही नहीं रहा भाई। हेलो, ओ चमकीले पैंट वाले, अच्छी चीज दे कुछ। ओ भाई क्या दे रहा है बे लौंडे, अच्छी चीज दे भाई। हेलो, मेरे को लगता है ना दोस्त, पहले जो इसने दिया ना वो आयरन इनगेट थे, इनगेट या नगेट जो बोलते नगेट। क्या करूं इन सब चीज का, अच्छी चीज देना कुछ, एंचेंटेड बुक दे दे कोई, हाँ मेंडिंग फाई दे दे, क्या करूंगा। एक रेवल रेवल का गरीब आदमी, सोने की पैंट पहना तू, अच्छी चीज दे, लास्ट है तेरा। उसके बाद दूसरे के पास जा रहा हूँ ट्रेड करने, ला जल्दी से अच्छी चीज ला। ये क्या दिया दोस्तों, फायर रेजिस्टेंस दोस्तों 3 मिनट्स का, ये हुई ना बात, अमीर आदमी डरा रहे है गरीब। ले दोस्तों देखते ये क्या देता है, फिलहाल तो जांच पड़ताल कर रहा है। कॉर्ड्स नहीं चाहिए, ये ले तू भी ले, चल तुम दोनों देखो, चलो अच्छे से परखो। ओ एक और चीज मिली, ये ले फिर से ले, फिर से ले। अभी क्या मिली मेरे को, फायर रेजिस्टेंस फिर से मिला है दोस्तों, मस्त। ये क्या दिया इसने, अच्छा ये स्पेक्ट्रल एरो। आजा आजा एक और है बे तेरे लिए, चल आजा चल, अच्छी चीज दे दे। बाकियों ने अच्छी चीज दे दी, तूने अच्छी चीज नहीं दी, दे दे चल। क्या दे रहा है तू, कसम से आजा दोस्तों, इसको चुपके से मारेंगे अपन, को मारेंगे अपन। इन दोनों के पास ना वो बो है ना एरो है यार, ये ना मेरे को ना आया है, मारो 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 मारो, अरे बचकाने। हेलो, मारो मारो मारो, दौड़ा के मारो, दौड़ा के मारो, दौड़ा के मारो, मारो मारो, शिकार करो शिकार करो, मैं बचकाने का करता हूँ। इसने साले ने मेरे को मारा भाई, सारी भीड़ गए उसके ऊपर। यार क्राफ्टिंग टेबल लाया रहता ना, मैं बना लेता था फट से और यहीं पे ट्रेड कर देता था, लेकिन है ना मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल भाई, इतना क्यों टेंशन लेता है। ये देखो बन गया क्राफ्टिंग टेबल, और कहाँ गई ये आदमी साला, ले पनीरी चड्डी तू ले, मारो दौड़ा के मारो, तब तक मैं इसको संभालता हूँ, कसम से दोस्तों मार दूंगा इसको अगर इसने कुछ खराब दिया। तेरी माता, भाग 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 भाग। अरे मैं मर गया दोस्तों, मैं मर गया, आई एम डेड, आई एम सो डेड भाई, पूरी बटालियन आ रही है यहाँ पे, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, मेरा इलाका कहाँ है। भाई दोस्तों मैं बच गया, शुक्र है पश्चिमी हवाओं का, मैं बच गया। वो भाई उसको मार रहे, मारो 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 उसको, बिंदास मारो तुम लोग। मेरे पास ट्रेड करने के लिए और कुछ बचा नहीं है, तो मैं कुछ ना एक्सप्लोर कर लेता हूँ तुम्हारे इधर से कुछ लेके जाने के लिए ना। ये क्या है भाई, अच्छा ये चलो, रोशनी में इतना सफेद दिख रहा है। अब नहीं मारोगे ना तुम लोग, तुम्हारे पास जाऊं तो मैं, गुस्सा नहीं होना, गुस्सा बिल्कुल नहीं होना, नहीं 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 गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, शांत गदाधारी भीम शांत। आजा 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 आजा, तेरे भाई इंदु के पास लेके आता हूँ मैं। अबे मारो बे, क्यों मार क्यों नहीं रहे बे तुम लोग। हेलो भीम मार का, भाग इधर से भाग भाग। अच्छा दोस्तों एक है ना, ये है मेरे पास, इससे जरा ट्रेड करके देखते हैं, दे दे कुछ अच्छी चीज। गरीब आदमी उस, तो यहाँ नजदीक में ना कोई बेसन वेसन मिल जाए, मजा आ जाए। बेसन नहीं मिल जाए, एटलीस्ट फोर्ट्रेस मिल जाए। ये बहुत बेकार बायोम लगता है मेरे को दोस्तों, ये ना ये मतलब खतरनाक तरीके से बेकार है। ये देखो पार्कोर भी ना हो रहा मेरे से, कौन सा बायोम है ना दोस्तों, मेरे को नहीं समझ में आता। ये देखो प्लेटफॉर्म आड़ा टेढ़ा कुछ ढंग का भी, अगर प्लेटफॉर्म उधर सोना तो है, बट मैं जाना नहीं चाहता दोस्तों, अभी सोने पे इतना कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ मैं, कंसंट्रेट कर रहा हूँ अभी फिलहाल कि कुछ मिल जाए, इधर लावा में नहीं गिर जाना दोस्त, बाकी सब ठीक है। पीछे से मारेंगे, ओ भाई ये मेरे को पहले देख लिया था टेढ़ी नजर से भाई, कांड ये लड़की उड़की ज्यादा छेड़ता है तो मेरे को लग रहा है। क्या आया ऐसा ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग हो ज्यादा ना, वो मत कर, यही मारूंगा गिरा गिरा के ना, ऐसा काटूंगा ना तेरे को, सही हो जाएगा तू। मरा, आई एम डेड दोस्तों, कहाँ है वो, कसम से दोस्तों क्या उछाला है एड़े ने। मार 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 साले को, मार 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 मार, उसने तेरे भाई को मारा था। मार ए, बोन मिले क्या वो, सॉरी बोन ब्लॉक है क्या वो। मार 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 साले को, मार 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 साले को, मार मैं भी मारता हूँ दोस्तों, मैं भी आता हूँ। मार मार इसको, मार इसको, मार इसको, मार इसको, मार
मटाला। देखा, अपन दोनों साथ मिलके ना क्या नहीं कर सकते। फिलहाल तो ऊपर है ना बोन ब्लॉक दिख रहा था मेरे को, कहीं तो उस तरफ में मैं चलू क्या ऊपर? एक भाई बेफिजूल का मेरे को नहीं मारना। ये क्या है इधर? वॉटर ब्लॉक, ये क्या है? कंस्ट्रक्शन के साइट का आवाज आ रहा है। हाँ सिर पे पहना हूं मैं, कमीने देख मत ऐसे, डर लगता है मेरे को तुम लोग से। ये क्या है? ब्लैक स्टोन क्या करेगा? नीदर रॉक क्या करेगा इसको? अरे ये हरामी, मेरे को ना दोस्तों यहाँ पे आना। ये देखो दोस्तों बोन ब्लॉक दिख रहा है मेरे को, ये बोन ब्लॉक ही है। ये आ गया अपन बोन ब्लॉक पे। मुझे ये सारे बोन ब्लॉक चाहिए दोस्तों, इसका ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये आग तो ले बुझा। ना 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 भाई माफ कर दे। शील्ड कहाँ है मेरी? अबे जा यहाँ से, मैं इसको मारूंगा दोस्तों। ये जिस हिसाब से मेरा दौड़ा करके मार रहा है ना मेरे को, मेरी हवा निकल गई पूरी। हाँ आ जा, आ इधर इधर, हाँ इधरा 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 इधरा, हाँ इधरा 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 आ जा। तेरे को खत्म करूंगा मैं दोस्त, चाहे कुछ भी हो जाए, तू तो मरेगा मेरे हाथों से। क्या मस्त साउंड है दोस्तों ये बोन ब्लॉक का। ये सोल सैंड पे आग लगी है दोस्तों, नीले रंग की, देख रहे हो आप? मस्त। इसका ना बोन बिल मस्त बनेगा ज्यादा, और अपन ज्यादा से ज्यादा है ना वीट को बाहर ही उगा करके ये कर लेंगे। इधर भी बोन ब्लॉक है क्या? ये उधर भी बोन ब्लॉक है दोस्तों, बोन ब्लॉक उधर भी है। ये रास्ता उधर ही जा रहा है, नीचे से ज्यादा नीचे से भी जा सकते है दोस्तों फिलहाल तो। और कुछ है क्या? नहीं और कुछ नहीं। चलो नीचे से जा सकते हैं, बट नीचे गिरते गिरते शायद टूट लगी भाई, वो सोल सैंड में बिल्कुल नहीं चल पा रहे दोस्तों। अभी हरामी इधर किधर पैदा हो गया ये? नॉट टूडे माई फ्रेंड, नॉट टूडे, नॉट टूडे। इधर आ, इधर आ, लड़ने का इधर को ले, लड़ हाँ जा लड़। यार मैं ऊपर जा तो सकता हूँ इधर से ऐसे, बट यहाँ पे देख रहा हूँ एक और हड्डी वाली की आवाज आई मेरे को। कोई बात नहीं, ये लेंगे और ऊपर के लिए रास्ता बनाएंगे। गास्ट है दोस्तों। भाई 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 भाई, भाई। किधर है? किधर है तू दोस्तों? किधर थी? इसने मस्त मेरे को मारा ऐसा, नेम लगा के टीपा ना ऐसा। क्या आवाज है? किधर है यार ये? मर जा जाके कहीं तो। फटाफट से दोस्तों ये निकालते हैं। भाई क्या आवाज है ये? ये यहीं कहीं है पता तुमको दोस्तों? यहीं कहीं है ये ना। हाँ ये देखो इस तरफ में कहीं आई है। थोड़ा भगाओ, अपन अपना काम करते फट फट से। वो देखो हड्डी वाला राजा दूर से देख लिया मेरे को। आजा नीचे, आजा नीचे, आजा नीचे, आजा नीचे, आजा हाँ मेरा भाई, नीचे आजा, नीचे आजा। कहाँ कहाँ से आवाज आ रही है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो दोस्तों, मैं इसको मारना चाहता हूँ दोस्तों। ये मेरे को एक बार देखे इधर। हेलो 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 हेलो। हाँ भाई ये मेरे पे फूट गया। रुको रुको, खा के चलते दोस्तों। इस गास को ना अपन मारेंगे आज। नीचे ना आग भी जल रहा है, इसको पहले बुझा लेते हैं। आ जा ओ लोंडिया, किधर है तू? नहीं आएगी, डर गई। देखा दोस्तों तुमने, मेरे को मारना था यार उसको। उसको मार के ना एक अचीवमेंट भी अनलॉक हो जाता है अपना फट से। और आगे बढ़ेंगे अपन। मेरे सिर पे है ना हेलमेट, उसका उम्र कम होते जा रहा है। बहुत घंटा पड़ने वाली है दोस्तों अपने को। ये देख रहे हो ऊपर मस्त नजारा, और ये जो आवाज है ना दोस्तों इतनी ज्यादा डरावनी है ना, ऐसे एकदम सेंसेशन एकदम ऐसे है ना कि पूछो एकदम ज्यादा, मतलब इंटेंस एकदम। ऊपर जाके देखो क्या क्या है। एन्चेंटेड तलवार लिया, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता हाँ है। ऊपर है ही नहीं वैसे कुछ ना जो अपन को देखने लायक रहे। और गास्ट भी भाग गई है। गास्ट कहाँ गई भाई? मैं तो अभी उसको मार रहा था, भाग गई। वो गोल्ड का वहाँ पे है आइटम, बट मैं तोड़ूंगा नहीं दोस्तों। अभी तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ एक्सप्लोरेशन कि अपने को और कितना दूर अपन जा सकते हैं और कितना दूर क्या है। दोस्तों क्या मिला? ये क्या मिला दोस्तों? देखो दोस्तों, दोस्तों ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो का। ये देखो हमें मिला बेसन, इसके अंदर मिलता है दोस्तों सोना। भाई मैं अभी जाऊं कि नहीं जाऊं अंदर? बहुत गंदा मारेंगे ये। अगर मैं अंदर से एक भी मैंने सोना तोड़ा या पेटी वीटी तोड़ी ना, मेरे को बहुत गंदा मारेंगे ये। और ऊपर से देख रहे हो लावा, लावा बंद कर देता हूँ मैं पहले तो। ये लावा कर दिया बंद मैंने। ये भाई क्यों आ रहा है? मैं कुछ कर रहा हूँ क्या तेरे को? ओ भाई साहब मैं नहीं जा रहा, मैं उधर देख ही नहीं रहा। लावा है दोस्तों, इसके अंदर जाने के लिए ना बहुत प्रिपेयर होके जाना पड़ता है, क्योंकि मतलब इसमें सोना तो होता है, बट ये जो रखवाली कर रहे हैं ना ये हरामी होते हैं, ये इतना गंदा मारेंगे ना मेरे को। ओ भाई साहब ये देखो दोस्तों, ये देख रहे हो तुम क्या नजारा है? सोने का ब्लॉक देख रहे हो दोस्तों?
ओ भाई साहब, पीछे से कोई मारना नहीं, बस भाई मजा आ गया। इतना गंदे वाला लालच आया अभी मेरे दिमाग में एकदम से ये देख के। भाई इतना बाहर में रखा हुआ है, मैं गिरूं नहीं बस यहाँ से ना, तो मैं कुछ रास्ता बना सकता हूँ यहाँ से वहां पे जाने का। नहीं आज नहीं, आज नहीं दोस्तों, ये जगह हम याद रखेंगे पक्का, और आज यहाँ नहीं जाएंगे, अगले एपिसोड में जाएंगे। दोस्तों कमेंट करके बताना दोस्तों कैसे प्रिपेयर होना है, क्या क्या अपने साथ रखना है और कैसे इनको हैंडल करना है। प्लीज मुझे ये कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे पता है अंदर अगर मैं गया मतलब मेरे को नीचे से वो ऊपर देखा और मेरे को मारने के लिए दौड़ पड़ा है भाई, तो मैं वहां पे चेस्ट भी है, तो मैं समझ सकता हूँ दोस्तों मेरे को कितने गंदे वाली पड़ेगी अगर मैं नीचे गया तो। दोस्तों उस ना उसके इधर ना, एक मिनट, उसके इधर चेस्ट है, वो देख रहे हो, वो देखो 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 दोस्तों उधर चेस्ट है, मुझे वो चेस्ट लेना हो ना, तो वो चेस्ट में भी ना मतलब कुछ ना कुछ तो होगा यार मजेदार। मेरे को ना कुछ ऐसे करना हो ना, मतलब सीढ़ी बनानी होगी एक तो उधर तक के लिए, उधर गोल्ड ब्लॉक के लिए, और इधर पे चेस्ट के लिए। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें जाने के लिए कितना प्रिपेयर्ड और कैसे प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और उस गोल्ड को लेने के लिए ना ये जो सामने है, मैं बहुत ही बेताब हूँ, बहुत ही मतलब बोलते ना एकदम से उत्तेजित हूँ कि मतलब ये जो है ना ये एकदम लालच का कोर बन गया है मेरे लिए। अभी अभी मेरे को पाना है, कैसे भी पाना है, तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि किस तरीके से ना हम उसको पा सकते हैं। भाई 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 भाई, भाई, भाई ये भड़क क्यों रहे मेरे पे इतना, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा साले, तुम इन लोग का सोना भी नहीं तोड़ा मैंने अभी तक, तो वो बाहर खड़े हैं शांति से। इनको ज्यादा चढ़ी हुई है, इनको मैं मारूंगा दोस्तों। बहुत बड़ा बेसन लग रहा है मेरे को दोस्तों, ये देख रहे हो पूरा नीचे तक है। तो दोस्तों करते इस एपिसोड को यहीं पे एंड, ये मजेदार सी चीज के साथ में एक थोड़ा सा सस्पेंस बनाए हुए कि अगले एपिसोड में क्या आने वाला है। फिलहाल तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मैं इस चीज को कैसे टैकल करूं, मैं वो गोल्ड का जो ब्लॉक है उसके पीछे वो कैसे लूं, और यहां की चेस्ट को मैं कैसे खंगालूं, और इन सारे लोगों से कैसे लड़ूं, ये पूरे लोगों से मुझे लड़ना होगा या फिर इनको बचते बचाते कोई एक मतलब ऐसा उपाय है जहां से हम उसको ले सके जाके वो सारी चीजें बिना मार खाए बिना पीटे। तो दोस्तों कमेंट करके बताना मुझको। तू क्यों गुस्सा हो रहा है भाई, मैं तेरे को कुछ बोला क्या? एपिसोड एंड कर रहा हूँ ना, हाँ एपिसोड एंड कर रहा हूँ ना मैं, और कोई इधर एपिसोड एंड कर रहा हूँ ना मैं इधर, हाँ हाँ एपिसोड एंड कर रहा हूँ ना मैं, हाँ आएगा तू आएगा, आजा आ तुम्हारी। तो चलो दोस्तों मैं इनसे निपटता हूँ, तब तक के लिए कहते हैं एक दूसरे को अलविदा। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप हमारे पुराने साथी हो तो दोस्तों लाइक बनता है, लाइक ठोक दो दोस्तों, दबा के लाइक ठोक दो। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।